भाई साहब छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ पे, जहां हम आपको लेकर आए हैं सिलियारी धाम के दुर्गा मंदिर और शिव मंदिर में, जहां पर चमत्कार होते हैं ऐसी सूचनाएं हमको आई है, जहां पर पंडित नरेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा वो सब कुछ बता दिया जाता है जिसकी खोज में आप यहाँ तक पहुंचते हैं। और आगे मैं और बहुत लोगों से रूबरू कराऊंगा। फिलहाल हम राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सिलियारी जो गांव है वहां पहुंच चुके हैं। ये धरसीवा विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है जो प्रसिद्ध है मंदिर और पंडित नरेंद्र शास्त्री के नाम से। तो आइए कुछ लोगों से भी रूबरू होते हैं जो यहाँ पर चमत्कार देख चुके हैं या चमत्कार की उम्मीद में यहाँ तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर सिलियारी गांव के मंदिर में चमत्कार होते एक ने नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों ने देखा है और महसूस किया है। जी सर, अपना नाम बताइए। निवेदन साहब। कहाँ आए हैं सर? जी जी, क्या आपने सुना जो आप बेमेतरा से खींचे चले आए? मैं ये सुना हूँ कि जो महाराज हैं वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भविष्य वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और बहुत ही अच्छा ज्योतिष है। उसके साथ साथ भागवत कथा जो भट्टाचार्य है वो भी बहुत अच्छा कथा सुनाते हैं। जी, पेशे से आप वकील हैं और पढ़े लिखे हैं, तो अभी भी इन सब चीजों को आप मानते हैं? चूंकि अपन आँख से किसी चीज को देखते हैं और कान से सुनते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है, उसमें विश्वास तो नहीं पड़ेगा। तो जो शास्त्री जी महाराज हैं आज के युग में साक्षात ईश्वर तुल्य हैं और जितना भी उनके बारे में बड़ी कमी है, बहुत ही ज्ञानी है और अंतर्यामी है। जी, क्या समस्या है जिसका समाधान आप चाह रहे हैं? पिछले 8 घंटे का आ गया था और उसके बाद मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है और उसके बाद भी मैं पीड़ित हूँ और सभी हॉस्पिटल जैसे हैदराबाद है, नागपुर है, रायपुर है, दूसरे है, बड़े बड़े हॉस्पिटल इलाज करवा चुका हूँ, फिर भी मेरे को मैं संतुष्ट नहीं हूँ। चूँकि महाराज के शास्त्री महाराज के शरण में आया और मैं भागवत भी सुना, महासमुंद में रेलवे में भी सुना, तब से मुझे कुछ तसल्ली मिला, कुछ आराम मिला और बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं दर्शन करने के लिए महाराज के पास आया। तो क्या आपका ट्रीटमेंट यहाँ जारी है? मैं आज कई बार तो दर्शन किया हूँ, आज फर्स्ट मेरा नंबर लगा जिसमें मेरी कुछ समस्याएं बताए, मैं जिससे मैं संतुष्ट हूँ। दर्शन लाभ से भी लाभ मिलता है? जी, तो ये वकील साहब ने हमें बताया कि दर्शन मात्र से भी आपको लाभ मिल सकता है और जब आप दर्शन करने यहाँ पहुंचोगे तो और भी चमत्कार आपको देखने मिलेंगे। और हम आगे और जो यहाँ पे जो आए हुए श्रद्धालु भक्त आए हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पंडित जी से भी आपको मैं रूबरू करा पाऊँ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जहां चाय वाले बाबा के नाम से मशहूर पंडित नरेंद्र शास्त्री द्वारा चावल से लोगों का भविष्य बताया जाता है, बल्कि ऐसे रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाते हैं जो निराश हो चुके होते हैं। कईयों के तो 4th स्टेज कैंसर का भी सफल इलाज आध्यात्म द्वारा किया जा चुका है। पूरी दुनिया में भक्त श्रद्धालु आस्था की पोटली लिए पहुँचते हैं और चमत्कार देख अचंभित हो जाते हैं। जय माता दी। हाँ, पुलिस को देखते हुए एक मुट्ठी चावल को लेकर के अपने घर से लेकर के लोग पूरा भारत देश से लोग आया और कई प्रकार की बीमारियाँ, कई प्रकार की घरेलू परेशानियाँ को लेकर के आया जा रहा है, जिसमें वह चावल को देकर करके उनकी समस्या का निवारण ही नहीं बताया जाता बल्कि उस समस्या का निवारण करके भेजा भी जाता है। जो
जो कि आज के समय में चल रहा है, चमत्कारिक बाबा। तो चमत्कारिक बाबा चमत्कार के नाम से ही रहे, बट उनके यहाँ कोई चमत्कार होता नहीं। अगर किसी के यहाँ चमत्कार होता है तो आज तक कैसे चमत्कार करते हुए दिखाया नहीं गया, केवल वीडियो दिखाया गया, ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। लेकिन ये दरबार ऐसा है, आपको मैं खुले दरबार में बोलता हूँ, आप किसी भी पेशेंट को नहीं चल रहा है, नहीं बोल रहा है, उसको ले आइए, उनकी कृपा रहेगी तो 4 घंटे के अंदर मुझको चला करके मिलती है। जिसमें से गोंदिया से हमारे शिष्य बक्सी जी आए थे, जिनकी सासू माँ को कोमा में थे, अर्थात गंगा जल भी पिला चुके थे। किसी के द्वारा सुना गया, उनको एम्बुलेंस में यहाँ लाया गया और उनको अष्टमी के दिन दुर्गा नवरात्रि में माँ भगवती की कृपा मिली। जिस व्यक्ति, जिस माँ ने कोमा में थी, गंगा जल पिला चुके थे, ऐसे व्यक्ति आज अपने घर में रोटी बनाते हुए, अर्थात दिनचर्या का काम में करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदी समाज से एक हमारी माता जी आई थी, जिनको कैंसर था, इनको ठीक करके भेजा गया। छुई प्रदान से एक माता जी थी, इनको चला करके भेजा गया। तो संत महात्मा जो होते हैं, अपने बारे में ना बताए तो वही संत और वही चमत्कार ही होता है। मणि जी, एक चमत्कार की बात करें तो एक चमत्कार ये भी है, पिछले कई वर्षों से आप चाय का सेवन करके रहे हैं। ये सही है, चाय जो पीते थे, आज भी भगवत में जाते हैं या सही संसार में जाते हैं तो चाय ही लेते हैं दिन भर। इतनी एनर्जी कैसे चाय से आ गई? यह एनर्जी आपके पास में भी है, लेकिन आपका एनर्जी आपको पता नहीं है और मेरा एनर्जी मेरे को पता है। जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन आप व्रत रह जाते हैं, तब आपके मन में उस दिन एनर्जी आ जाती है, लेकिन 10वें दिन आपके मन में एनर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन मेरे में एनर्जी खत्म नहीं। ये भगवान कृपा है, ये माँ भगवती की कृपा और ठाकुर जी की कृपा। कई ऐसे पेशेंट है जो सब जगह से निराश हो गए हैं, मेडिकल से भी वो निराश होकर आप तक पहुंचे हैं, वो इतने लोगों का आपने इलाज सफल हो चुका। आप जितनी मैं बोलूंगा कम है, क्योंकि मेरा शुरू से एक मर्यादा रहा है। अगर कोई पेशेंट आ रहा है, किसी का शादी नहीं लग रही है, किसी का बीमार है या कैंसर है, तो उनको मैंने 27 डेज में आज भी नाम लिखा। लेकिन मैं एक शुरू से ही फेसबुक यूट्यूब में किसी की घर की मर्यादा और सम्मान को ध्यान रखते हुए उसको वायरल करना उचित नहीं समझता। और मेरे बारे में मैं क्या बताऊँ, यहाँ जो भक्त हैं उनसे पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। जी पंडित जी, आप तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ा? हमारे तक पहुँचने के लिए यही है कि गूगल में सर्च मारे चावल वाले बाबा, उससे हमारे आश्रम में पहुँचाएंगे। किसी से कोई दक्षिणा, किसी से कोई रुपया नहीं लिया जाता है, केवल घर से, रसोई घर से एक मुट्ठी चावल लेकर के यदि वो आ जाए तो उनका भविष्य अर्थात वर्तमान को एक एक चीज, डेट ऑफ बर्थ, समय समेत ऐसा होगा, ऐसा हम उसको बता सकते हैं। वही चावल लाना चाहिए जो आप रोज दिनचर्या में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल, जो रसोई घर में जो प्रतिदिन दिनचर्या में सुबह शाम भोजन बनने में उपयोग होता है, वही चावल लाना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में CM का दौर चल रहा था और उस समय 1.5 महीना पहले कौन बनेगा CM, उनके बारे में हमारे द्वारा घोषणा की गई। जी, एक सवाल, जब आपने राजनीति की बात की तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये तो ऐसा है, छोटा बच्चा भी जानता है, लेकिन हमारा ज्योतिष ये कहता है कि नरेंद्र दास मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सब जानते हैं। क्या 400 पार का जो नारा लग रहा है वो सफल होगा? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, सब कोई नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा जानता है, लेकिन कितने सीट पाएगा ये कोई नहीं जानता। जी, नरेंद्र दास मोदी 400 सीट अर्थात 400 पार नहीं कर पाएगा, 388 में जाकर सिमट जाएगा। जी, बहुत लोकसभा चुनाव के जो परिणाम 4 जून को आने वाले हैं वो 388 सीटों में सिमट जाएगा, ये दावा, ये भविष्यवाणी कितनी सच होती है ये तो वक्त बताएगा। राधे राधे, मैं सोनू गोयल, मैं धमतरी से हूँ। जी, क्या चमत्कार आपने देखा है यहाँ पे आके? चमत्कार तो यहाँ नित प्रतिदिन होता है, मैंने यहाँ पर जो चल नहीं सकते उनको चलते हुए देखा है,
जो कोमा में आते हैं वेंटिलेटर, यहाँ जो भी आते हैं हॉस्पिटल से, जो भी आते हैं यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, ये सब चमत्कार मैंने अपनी आँखों से देखा है। कई चमत्कार तो खुद मेरे साथ भी हुआ है। मैं आई तो थी यहाँ से, मुझे 15 साल हो गए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। आई तो थी मैं भी एक समस्या को लेके, और वो समस्या का निवारण मेरा हो गया। बस उसके बाद से कभी समस्या मेरे जीवन में आई नहीं, और कभी आई भी तो बस उनके दर्शन मात्र से ही मेरी समस्या सॉल्व हो जाती जी। आपकी भक्ति भक्ति इतनी है कि आपने टैटू भी बनवाया है, टैटू बनवाया है जी। ये कब बनवाया आपने? ये मुझे 13 साल हुआ था। तो कुंडली का कब, डेट कब, शादी कब, मृत्यु का मैं बता दो। 170 निरोग का मैं अभी तक खड़े को मृत्यु करवाया इस दिन इस तारीख को। बट यही चीज़ रहा है सर मेरे, किसी के घर को, किसी की मर्यादा को वायरल नहीं करना, क्योंकि आज इसका मैं कुछ नहीं, और यूट्यूब तो सब समझ जाएंगे। यूट्यूब में वायरल हो गया मान लो कि निगेटिव, तो ब्याह कौन करेगा, जिंदगी खराब हो जाती है। बहुत सारे चैनल वाले लोग आए, मतलब ऐसे ऐसे चीज हुआ है लोगों का, मतलब सस बात कर रही है। एक सिंधी समाज से लेडीज आई, उनकी एक लड़की थी, वो बहुत रोई। अब मुझे दुनिया कोई पिघल सकता है, लड़कियां पिघल सकती हैं, कोई नहीं। बस दुनिया में जी भी रहा हूँ तो बेटियों के, जो तुरंत बेटियों के शादी के पैसा देता हूँ, इसलिए कन्या विवाह करवा रहे हैं। 325 अगर सबको जोड़ता हूँ तो 14,60,00,000 रुपये होता है जो मैं बेटियों को बांटा हूँ। आज भी लोगों को बताऊँ, कोई नहीं पढ़ रहा है, जितनी ऊँचे क्वालिटी की पढ़ना है पढ़ो, मैं पढ़ाऊँगा। हाँ, लड़की शादी नहीं करता हूँ, ऐसे में चाटो सामान देता, बाइक बस देता, पूरा A to Z घर बसा, पूरा टीवी कूलर पंखा सब, और सब कंपनी का, फॉर्मेलिटी वाला नहीं। जहाँ शास्त्री जी भी ये चमत्कार को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं और कहते हैं लोगों के अच्छे कर्म से ही ये सब कुछ हो रहा। भगवान उन लोगों को आशीर्वाद देते हैं जो सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं और धर्म कर्म का काम करते हैं। हमने लोगों से बातें की जो इस चमत्कार को देखा और महसूस किया है। नरेंद्र शास्त्री बीते 18 वर्षों से निरंतर मानव सेवा कर रहे हैं और अपना सारा जीवन भगवान की सेवा और मानव सेवा में बिता रहे हैं। जहां बिना अन्न के जीवन जीकर मानव सेवा को नारायण सेवा मानकर भगवान के दरबार में आने वाले सभी भक्तों के कष्ट हरने की प्रार्थना निरंतर माँ भगवती से कर लोगों के कष्ट हरने का पुनित्य कार्य कर रहे हैं। जहां अब तक सैकड़ों कन्याओं का विवाह कराकर कन्या दान का फल प्राप्त कर रहे हैं और इस पुनित कार्य को निरंतर जारी रखने का संकल्प भी पंडित नरेंद्र शास्त्री द्वारा किया जा चुका है।